नमस्कार, आप देख रहे हैं लुधियाना न्यूज। मैं शेखर उप्पल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों की तरफ। कल चाचोड़ा में समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा माली मोहल्ले में स्थित राम जानकी मंदिर पर श्याम प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। हमारी तो मुख्य निक्की भैया ने जो हमें आदमी से बाहर से टाइम हो गया भैया निकल जाओ घर। इसमें चाचोड़ा के भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं को उनके जीवन यापन के बारे में बताया। साथ ही यह भी बताया कि यह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देकर कश्मीर की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इनकी मृत्यु एक अज्ञात मृत्यु हुई जिसका आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए उन्होंने विशेष योगदान दिया। देखो, 6 जुलाई 1901 को बंगाल में हुआ था। दिनांक 23 जून 1953 में जम्मू और कश्मीर में पासपोर्ट के विरोध करते हुए झेलम नदी पार करते हुए श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर चाचोड़ा मंडल उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह, विधायक प्रतिनिधि पुनीत सोडानी, बाबूलाल माली, बालमुकुंद माली, सतीश शर्मा, सुरेश पालीवाल आदि भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। हुए बलिदान मुखर्जी, कश्मीर हमारा है। बीनागंज से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। ईद से पहले बाजारों में बड़ी रौनक, शहर की दुकानों पर सजने लगी भीड़। ईद में सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं जिसके चलते इस भरी गर्मी में भी भीड़ बाजारों में देखी जा सकती है। मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है ईद, जिसमें सभी उम्र के लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस समुदाय के हर तबके को ईद का इंतजार होता है। प्याज की मस्ती है लूट और खराब प्याज को बाहर जिलों से लाया जा रहा है गुना में। पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि प्याज की आवक बहुत बड़े स्तर पर हो रही है, जिसमें खराब प्याज के आने की पुष्टि भी खाद्य अधिकारी कर चुके हैं। इसी क्रम में आज कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेंद्र लुम्बा का स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के पास कोई नीति नहीं है, बिना कुछ सोचे समझे एकदम से आदेश आता है कि आज प्याज की खरीदी करनी है और उसे बांटना है। लुम्बा ने यह भी आरोप लगाए कि यदि पहले से कोई नीति निर्धारित की जाए तो वास्तविक किसानों को फायदा होगा। यहां उनका इशारा कमीशनखोरी की तरफ भी था। कांग्रेस का सदैव से कहना रहा है कि चाहे औद्योगिक के क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, या अन्य कोई भी क्षेत्र हो, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कोई आरंभ से किसी प्रकार की नीति नहीं रहती, और कृषि के क्षेत्र में विशेष करके किसान के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई नीति नहीं बनाई। सब भाग्य भरोसे चलने वाली स्थिति है। आज चाहे प्याज खरीदी का मामला हो या अन्य फसलों की खरीदी का मामला हो, जिस हिसाब से किसान स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहा है, उससे इसके बाद ये कहावत यही चरितार्थ हो जाती है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आज स्थिति ये है कि प्याज कैसे खरीदना है, कहाँ वितरण होना है, कैसे क्या कुछ होना है, इसकी कोई नीति नहीं है। एकदम से आदेश आता है प्याज खरीदा हो जाए, खरीदने के बाद रखा कहाँ जाएगा, पानी के अंदर कैसे खराब होगा, उसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था है। किसी भी तरीके की कोई नीति निर्माताओं ने कोई नीति का निर्माण नहीं किया, जिसका खामियाजा आर्थिक तौर पे नुकसान के बाद भी अंत में जनता ही भोगती है, चाहे और यही उसका एक प्रमाण है
प्याज खरीदी का मामला। आज मध्य प्रदेश में जो प्याज उत्पादक जिले थे वहाँ यदि कहीं प्याज खरीदी गई तो प्याज खरीदी के मामले में कई बार ये स्थिति सामने आ रही है कि वास्तविक प्याज उत्पादक अपना प्याज बेचने में सक्षम सिद्ध हो रहे हैं या उसके बाद राज्य के बाहर से लोग आकर के इसके अंदर बिचौलिया का रोल अदा करके इसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बारे में भी शासन की कोई नीति नहीं है। कुल मिलाकर के किसान को वो वास्तविक लाभ नहीं मिल पा रहा जिसकी किसान अपेक्षा करता है, और लाभ ना मिलने का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान के पक्ष में किसी भी किस्म की कोई पूर्व से नीति नहीं बनाई थी। यदि पूर्व से इस बारे में नीति बनाई होती तो शायद क्रय केंद्र अलग रहते, विक्रय केंद्र अलग रहते, उनके रखने का स्थान अलग रहता और शायद वो बर्बादी नहीं होती जो बर्बादी हम लोग सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। जिला पंचायत कार्यालय में आज सामान्य प्रशासन की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 5 विषय प्रस्तावित थे जिनमें विशेषकर गोपालपुरा के तालाब को नगरपालिका को हस्तांतरित करना, साथ ही कृषि विभाग की योजनाओं की समीक्षा करना एवं आदिम जाति कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करना था। NSUI के कार्यकर्ता आज पहुंचे कलेक्टर के समक्ष और अपनी प्रमुख मांगे रखी। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, NSUI जिंदाबाद, 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 NSUI जिंदाबाद। NSUI के कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में पहली LLB की मान्यता जो कि रद्द हो गई है वे वापस लाई जाए, 200 रुपए की फीस वृद्धि जो की गई है उसका विरोध करना, साथ ही कॉलेज में स्वच्छता। छात्र नेता का आरोप है कि LLB की मान्यता रद्द कर दी गई है, शिक्षा मंत्री गुना के होते हुए भी गुना के कॉलेज की इतनी अनदेखी क्यों कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेज में साफ सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता है जबकि देश स्वच्छता अभियान की तरफ बढ़ रहा है। साथ ही 200 रुपए की फीस वृद्धि को लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि इसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता यहाँ कलेक्टर साहब से एक मांग करने गए। जैसे हमारी मांग निम्नलिखित थी, जैसा कि LLB जो फर्स्ट काउंसलिंग में जिसकी साइड नहीं खुली है, LLB की मान्यता ऊपर से रद्द कर दी गई है जबकि हमारे क्षेत्र के ही शिक्षा मंत्री हैं और हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ। हमने मांग नहीं की कि आप MBBS लाओ, MBA लाओ और वो लाओ, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास पहले से सुविधाएँ LLB जैसी कम से कम वो बंद तो ना हो, पहले हमारी ये मांग थी। दूसरी बात, अभी कॉलेज द्वारा 200 रुपये की फीस में वृद्धि की गई है, उसको कम किया जाए। एकदम ही कहीं नहीं बढ़ी ये वृद्धि, सिर्फ PG कॉलेज गुना में ही ऐसा क्यों हुआ कि 200 रुपये वृद्धि करना पड़ा। एक साफ़ सफाई को लेके वॉशरूम के पास में इतनी गंदी स्मेल आती है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है जिसमें करोड़ों रुपये खर्च करा जा रहा है, लेकिन जो शिक्षा का मंदिर है, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करते हैं, यहाँ से फ्यूचर निकलता है, बच्चे निकलते हैं, वही ऐसी गंदगी स्थिति पड़ी हुई है कि कोई भी मीडिया जाके या कोई भी शासन का कार्यकर्ता या जाके वहाँ देखे तो खड़ा होना असंभव है। ये कुछ मांगों को लेके और एक कंप्यूटर लैब की वृद्धि की जाए छात्रों की। छात्र संगठन DSO फीस में 200 रुपए की वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन अपने चरम पर है। इस प्रदर्शन में DSO ने आज अंबेडकर चौराहे पर छात्र श्रृंखला का आयोजन किया। आज हम किस तरीके से हम समय का एहसास करने की जरूरत है और सरकार बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े होर्डिंग्स पर मुझे देखते हैं। आपको बता दें कि कल DSO के छात्र कलेक्टर से मिले तो कलेक्टर राजेश जैन का कहना है कि फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाएगी। इसलिए साथ में आंदोलन सिर्फ फीस वृद्धि को लेकर, हम चाहते हैं कि ये मिलेगा ऐसी बात नहीं है, कॉलेज में फीस मिलेगा, इसमें सरकार छात्रों को कराना चाहती है, इसमें छात्रों को इसका एडमिशन मिलेगा।
साथ ही छात्र नेता का आरोप है कि कलेक्टर महोदय ने कहा कि जब छात्र 10,000 रुपए का मोबाइल अपने साथ में रख सकते हैं तो 200 रुपए फीस देने में क्या दिक्कत है। आज छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ के द्वारा अंबेडकर चौराहे पर एक छात्र श्रृंखला का आयोजन किया गया है। आपको पता है छात्र संगठन ऑल इंडिया डीएसओ जो कॉलेज प्रशासन के द्वारा न्यू बच्चों के लिए बस थर्ड और फिफ्थ के लिए जो 200 रुपए की फीस वृद्धि की गई है उसके खिलाफ आंदोलन चला रहा है। विगत दिनों में कॉलेज प्रशासन में भी धरना दिया था, प्रदर्शन किया, कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद सभी छात्र मिलकर कलेक्ट्रेट गए और कलेक्ट्रेट में जब धरना दिया, कलेक्टर से बात की तो कलेक्टर का भी जवाब था कि वो फीस वापस नहीं लेंगे। उनका कहना था कि छात्र जब 10,000 रुपए का मोबाइल रख सकता है तो 200 रुपए की फीस दे सकता है। उसी क्रम में आज हम लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अम्बेडकर चौराहे पर छात्र श्रृंखला का आयोजन किया है और जब तक कॉलेज प्रशासन पूरी फीस वापस नहीं लेता है जब तक ये आंदोलन आगे ही चलता रहेगा। समस्या पर है कि क्यों प्रशासन गरीब विद्यार्थियों को भी अनदेखा कर रहा है। मंडी डायरेक्टर वार्ड 10 का कल होना है निर्वाचन, मतदान टीमें हुई रवाना, कल रविवार को होगा निर्वाचन। चुनाव में 3 प्रत्याशियों की किस्मत अब मतदाता के हाथ में। आज जिला मुख्यालय से 16 पार्टियों को रवाना किया गया और साथ ही 48 पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों को भी भेजा गया। वोटिंग कल सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होना है। साथ ही गिनती का काम 3:30 बजे से शुरू होगा जो कि 5 बजे तक चलेगा। 16 केंद्रों पर कल होगा मतदान। मतदान शांतिप्रिय हो इसके लिए शासन करा रहा है हर मतदान केंद्र की वीडियो रिकॉर्डिंग। ये यहाँ पर जो कृषक मंडी है उसका एक डायरेक्टर का पद खाली हुआ था, उसमें वार्ड नंबर 10 का निर्वाचन 3 उम्मीदवार हैं 16 मतदान केंद्रों पर। ये मतदान के मतदान होना है और हम अभी सामग्री वितरण कर रहे हैं और जैसे सामग्री वितरण हो जाएगी वो लोग वोट को सत्यापित कर लेंगे, इसके पश्चात वो अपने मतदान के निकाल। राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह और राधेश्याम धाकड़ के बीच चल रहे हाईकोर्ट के प्रकरण के चलते आज हुआ गवाह का बयान। हाईकोर्ट जबलपुर में चल रहा है ये केस। बार बार गवाह की तरफ से देरी होने के चलते कोर्ट ने कमिश्नर को यहां भेजकर करवाई गवाही। जबकि गवाह से जब बात की गई तो उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है कि केस भी चल रहा है। तो क्या क्या संबंध में ये चर्चा हुई थी? जात में जानकारी नहीं है। अच्छा, फिर के संबंध में भी चर्चा। अच्छा तो नहीं, गवाह देने आए ना आप? गवाह देने आयो। हाँ फिर मजाक मुँह पर तो नहीं है, काय के मुँह पर तो नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है काय की बत्तल गवाही करवा रहे। अच्छा तो गवाही मेरी मतलब बयान लाए नहीं, बिन पर दस्तखत करवाए। अच्छा काय बयान लिए? आपको बता दें कि राधेश्याम धाकड़ ने चुनाव में अनियमितताओं के चलते जयवर्धन सिंह पर केस दायर किया हुआ है, जिसमें जयवर्धन सिंह ने चुनाव के समय में भगवान के चित्रों का उपयोग किया था जिसके बाद वह जीत भी गए, जिसका प्रकरण हाईकोर्ट जबलपुर में लंबित है, जिसमें एक गवाह कोर्ट नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी तरफ से बार बार जिक्र आ रहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंच रहा है। हाईकोर्ट ने एक कमिश्नर अपॉइंट किया जो गवाह की गवाही लेने के लिए गुना आए। आज सुबह कमिश्नर और दोनों पक्षों के वकीलों के सामने गवाह की गवाही ली गई। मेरे क्लाइंट राधेश्याम धाकड़ द्वारा जयवर्धन सिंह ने द्वारा अनियमितता चुनाव में की गई अनियमितताओं के विरुद्ध एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक गवाह जो यहाँ का था, मीरपुर का था, उसके गवाह कराने हेतु कमिश्नर अपॉइंट किया था, उस गवाह की गवाही के लिए आज हमें उपस्थित हुए हैं और गवाही संपन्न हुई है। पिटीशन है जयवर्धन सिंह जी के खिलाफ और हाईकोर्ट जबलपुर में हमने पेश की थी, उसको ट्रांसफ़र करके ग्वालियर भेज दिया गया है। तो जो आज गवाह देने आए थे रामचरण, वो स्वास्थ्य खराब होने के कारण हाईकोर्ट नहीं पहुँच पाए, इसलिए कमिश्नर नियुक्त करके माननीय हाईकोर्ट ने यहाँ पर कमिश्नर को भेजा था और उनकी उपस्थिति में दोनों पक्षों के सामने ये गवाही हुई है। किस जबलपुर है, ग्वालियर है?
ये केस हमने जबलपुर में फेस किया था, लेकिन वहाँ से ट्रांसफर होकर ग्वालियर बेंच में आ गया। क्या आप सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं केस को लेकर? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, कई केवीटी याचिकाएं लगाई हमने इसके संबंध में, तो वो प्रचलन के दौरान चली। अच्छा अच्छा, निर्देश आए कि इस केस का निपटारा 60 दिनों के अंदर कर दिया जाए। 60 दिनों के अंदर, मेन बात। ठीक है, थैंक यू। कल शाम भोपाल से गुना लौटे पारदियों को स्टेशन लेने पहुंची पुलिस। एक सैकड़ा से अधिक लोग परसों सीएम से मिलने भोपाल गए थे, जिनकी मांग थी कि उनके क्षेत्र में कोई भी थाना नहीं है, जिसके चलते उन्हें काफी तकलीफें होती हैं। भोपाल से जब ये लोग वापस आए तो उन्हें लेने पुलिस टीम स्टेशन पहुंची। समुदाय के कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें अभी नहीं जाना है, सुबह होते ही वे चले जाएंगे, चूंकि रात का माहौल है और उनके क्षेत्र में डर भी है। आपको बता दें कि मुरादपुर से एक सैकड़ा से अधिक लोग सीएम से मिलने भोपाल गए हुए। मैं अभी ले जा रहा हूं। दिन में और रात में क्या दिक्कत है? नहीं, रात में तो डर लगता है। तो अभी अभी दिन में कोई दिक्कत नहीं आएगी सर? दिन में दिक्कत नहीं आएगी सर। अभी रात में नहीं जाना चाहते? तो उनको बोल दो ना अभी नहीं लेके जाए। वो बोल रहे सर को छुट्टी पड़ जाएंगे, कल शनिवार बता रहे लेने आई है। वहाँ भोपाल से साहब ने बोल दिया था सर, जे सीएम साहब के वो जो पीओ थे उसके पास गए थे, तो उसने बोला कि बाबू एसपी पे फोन लगाता हूँ मैं, तुम्हारे गांव में गैट रहेगी पुलिस की और पुलिस सुरक्षा करेगी तुम्हारे। तो अभी ये पुलिस वाले क्यों लेके जा रहे हैं तुम्हें? ये कह रहे कि चलो हम तुम्हारे घर पे गैट भी ले जा रहे हैं और सुरक्षा के लिए जाओ, तुमको घरे बिठाएंगे, वहाँ पुलिस जाएगी, पुलिस रहेगी। पारदी समुदाय के लोगों ने यहाँ पर पुलिस पार्टी पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमारे एक साथी के साथ हुआ है, उसको गला काट के मार दिया, ऐसा हम में से सबके साथ भी हो सकता है। क्या हो गया? ये पुलिस वाले पे भरोसा नहीं है, ये भाग गया, ये फेंक के हमको। क्यों? ये बिके हुए हैं ये दोनों ठंडार, ये संतोष बारखाऊ भी नहीं, ये भी बड़ा भी ठंडार बिका हुआ है। फिर तो चौकी तो करवाएंगे साहब, चौकी हम जाट को नहीं आन देंगे, हम सोचेंगे कि साहब हमको तो मारा ही डालेंगे, वो फरारी आदमी है। तो ऐसा किसका डर है वहाँ पे इतना? पारदी है साहब, वो दूसरे गांव के, तो हमारे गांव के हैं, तो उसमें हमारे गांव के 2-3 जने मिल गए हैं, वो हैं फ्री आदमी पास बंदूक 5 फेरा और 12 नंबर के पास। ये हाँ मोहर सिंह की गैंग है, वो नहीं दूसरा, उसका नाम आनंद है। क्या कर दिया? काट दिया दारू पिलाने के बहाने, सचिन ने, प्रेम ने, तो पुलिस और उसको गड़ा दिया। पुलिस ने क्या किया उसमें? पुलिस का तहकीकात सबूत ही नहीं मिलने दिया, तो तहकीकात ही नहीं किया, खाली रपुटू पुट लिख के बस चुप हो गए। हमको पता लगा कि हमारे भाई को काट दिया, जब हम उसको पूछने बुलाया तो फिर वो मारने आया हमको के साथ मिल के। डीजियाना न्यूज में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।